उज्जैन में 12 साल की मासूम से हैवानियत करने वाले हैवानों को बीच चौराहे पर फांसी पर लटका देना चाहिए। यह मांग कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने उज्जैन में जन आक्रोश यात्रा के दौरान कही। इसी पर देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। उज्जैन में 12 वर्षीय मासूम के साथ हुई हैवानियत को लेकर देश की सियासत गर्म हो चुकी है। विपक्षी दल प्रदेश की सत्ताधारी शिवराज सरकार पर आक्रामक है। अब कांग्रेस प्रदेश प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने मासूम के दरिंदों को बीच चौराहे पर फांसी देने की मांग की। इतना ही नहीं, सुरजेवाला ने भाजपा को निशाने पर लेते हुए कहा कि मध्य प्रदेश महिला और बच्चियों से दुष्कर्म के मामले में नंबर वन है। शिवराज सरकार को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। मध्य प्रदेश में आज महाकाल की नगरी में 12 साल की निर्भया के साथ जिस प्रकार से बलात्कार की विभत्स दुर्दांत घटना हुई, उसने पूरी आत्मा को झकझोर कर रख दिया। पूरे मध्य प्रदेश और देश की माँ भारती की आत्मा छलनी है। 12 साल की बेटी 8 घंटे तक महाकाल लोक में सड़कों पर घूमती रहे, आधी निर्वस्त्र, शरीर से खून रिसता रहे, बलात्कार की शिकार बनी रहे, सहमी सिमटी वो हमारी बेटी, परंतु शिवराज सिंह चौहान को उत्सव मनाने से फुर्सत नहीं मिलती। ऐसी भाजपा सरकार को चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। दरअसल कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा उज्जैन जिले की तराना विधानसभा क्षेत्र में पहुंची, जहां यात्रा में भारी जनसैलाब उमड़ा। इस दौरान आयोजित सभा में मध्य प्रदेश के प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि प्रदेश की जनता भाजपा का सूपड़ा साफ करने का मन बना चुकी है। शिवराज के राज में रोज दुष्कर्म हो रहे हैं और वे चुनावी उत्सव में व्यस्त हैं। इनके सब नेता और विधायक चुनाव लड़ने से भाग रहे हैं, क्योंकि इस बार मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता ने महाकाल लोक के महादेव के आशीर्वाद से मन बना लिया है कि भाजपा का सूपड़ा साफ कर देंगे और इनके अन्याय जो हैं, इनके जुल्मो सितम जो हैं, वो किसान पर हों, अबलाओं पर हों, युवाओं पर हों, महिलाओं पर हों, आदिवासियों पर हों, पिछड़ों पर हों, दलितों पर हों, इसका हिसाब होगा। कुल मिलाकर उज्जैन में 12 वर्षीय बच्ची के साथ हुई दरिंदगी की घटना ने सूबे का सियासी पारा बढ़ा दिया है। वहीं शिवराज सरकार भी आरोपियों को पकड़ने के लिए एक्शन मोड में आ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, उज्जैन।